दोस्तों गुड मॉर्निंग। दिन की शुरुआत यहाँ पे डस्टिंग करने को लेके पूरे घर की साफ सफाई करने में मैं लग गई हूँ। देखिए ऐसा है ना, आज है दक्ष की छुट्टी, तो छुट्टी होती तो हम लोग आराम से उठते हैं, आप लोगों को पता है, तो घर के काम आराम आराम से होते हैं, तो मैं डस्टिंग भी मॉर्निंग में कर लेती हूँ ताकि मुझे शाम को ना करना पड़े। बट मेरी आदत ऐसी है कि मैं शाम को भी कर लेती हूँ या नहीं भी करूंगी तो चलेगा, ये रहेगा कि मैंने मॉर्निंग में करिए। इस बीच में मैंने अपने बेटे को बोला कि दुकान से दूध लेके आओ, तो ये देखिए कैमरे से अपनी कैसी कैसी हरकतें कर रहा है, अपनी कलाकारी दिखा रहा है। तो मैंने कहा चलो छोड़ो यार, बच्चे का वीडियो भी ऐड कर देती हूँ, वरना ये मुझसे बाद में कहता कि मम्मी मम्मी मैंने इतनी मेहनत से वीडियो बनाया था और आपने लोगों को दिखाया ही नहीं। फिलहाल आज हमें जाना है दो फंक्शन में, एक दोपहर का है एक रात का है, और कहां गए थे ये जानने के लिए तो आपको डेली व्लॉग देखना पड़ेगा जो थोड़ी देर बाद इसी चैनल में आएगा, तो देखना ना भूले। और कल वाला व्लॉग देख के आप लोगों को मजा आया नहीं मुझे जरूर बताना। कल बहुत सारे लोगों से मिलना हुआ जिसमें सिंगर भी थे, आर्टिस्ट भी थे, बहुत सारे लोग थे। कई सारे लोगों को मैं ऐड कर पाई, कई सारे लोगों को नहीं कर पाई, और आज भी जाएंगे फंक्शन में तो वो भी मैं दिखाऊंगी। फिलहाल मैंने नाश्ते में बनाई थी लौकी की सब्जी और रोटी दक्ष के लिए, क्योंकि दोपहर का खाना तो वही था बट नाश्ता करके हम जाते, और बहुत सारे कपड़े मैंने धोए थे तो इन सबको मैं तय करके रख रही थी। कुछ कपड़े प्रेस वाले थे और कुछ कपड़े नॉर्मल डेली वेयर वाले थे, तो उनको मैं तय करके अलमीरा में रख रही थी। और फिलहाल हम लोग हो गए रेडी, आज मैंने ये अनारकली सूट पहना है और मेरे बेटे ने येलो टी शर्ट पहना है। उसके बाद हम लोग निकल पड़े हमको जहां जाना था। आज भी एक नामकरण का ही फंक्शन था वैसे जहां हम लोग गए थे, तो इतने सारे लोगों से फिर से मुलाकात हुई। इन लोगों को आपने कल भी देखा होगा वीडियो में, ये भूपी भैया है और इंद्र भैया बैठे हैं और यहाँ पे लोग मस्त करके नाच रहे थे, मुझे इनको देखने में ना बड़ा ही मजा आता है। और मैंने गाना नहीं सुना आप लोगों को वरना कॉपीराइट आ जाता। घर आए उसके बाद अपने डेली काम करे, जो है पौधों में पानी वानी डाला क्योंकि इनमें तो पानी देना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद मेरा बेटा चले गया था ट्यूशन, फिर तैयार व्यार होकर हम लोग ना स्टूडियो ही पहुंच गए थे, क्योंकि जहां हमें जाना था शाम वाले फंक्शन में वो मेरे स्टूडियो के पास ही था। तो मैंने क्या करा, पहले मंदिर में दिया वगैरह जला लिया और थोड़ी देर यहाँ पर सब लोगों का वेट किया। उसके बाद हम लोग फंक्शन में पहुंचे, यहाँ पर सब लोग देखे इंजॉय कर रहे हैं, कोई खाना खा रहा है, कोई डांस कर रहे हैं। तो ये था हमारा आज का दिन। अगर आप लोगों को हमारे मिनी व्लॉग्स और डेली व्लॉग्स दोनों अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दक्ष कार की YouTube चैनल को। जल्दी मिलेंगे, बाय।